मैं मजीब रहमान बिहार से हूँ, गोपालगंज जिला से। तंबाकू खाने के कारण हमारे मुंह के अंदर एक छोटा सा स्पॉट हुआ, जो मैं लोकल अपने जिले के डॉक्टर से चेक करवाया, वहाँ ये साबित हुआ कि ये कैंसर का शक्ल अख्तियार कर रहा है। फिर मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली आकर के पवन डॉक्टर पवन गुप्ता से मैं मिला, उन्होंने इसका ऑपरेशन किया। आज मैं बहुत ठीक हूँ और तंबाकू भी मैंने छोड़ दिया। और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि तंबाकू ना लें, क्योंकि तंबाकू छोड़ने में मुझे काफ़ी परेशानी हुई थी, लेकिन फिर भी सेहत से बढ़ के तंबाकू नहीं है, तंबाकू मुझे मजबूरन छोड़ना पड़ा। आज मैं बहुत फिट हूँ और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी भाई तंबाकू ना ले। अगर ये तंबाकू लेता भी है तो वो हर महीने एक दफा डॉक्टर से मिल करके अपने मुंह का चेकअप जरूर करवा लें। अगर जो कोई छोटा सा स्पॉट भी है तो उसके बारे में डॉक्टर से सलाह जरूर लें। धन्यवाद रहमान साहब। और रहमान साहब ने बताया कि तंबाकू की लत बड़ी तेज होती है और अगर एक बार लत पड़ जाती है तो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारी सभी बच्चों से, सभी लोगों से यही गुजारिश है कि जागरूक रहें, प्रारंभ ना करें, बी स्मार्ट डू नॉट स्टार्ट। तंबाकू को कभी भी स्टार्ट ही ना करें, कभी ट्राई भी ना करें। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जोश में आकर के एक बार ट्राई कर लेते हैं कि चल एक गोली तो ले लें, एक बार एक डोज तो ले लें, एक सिगरेट लेने में कोई हर्जा नहीं। लेकिन एक सिगरेट से ही या एक तंबाकू के जो हमारे गुटखा वगैरह है उसी से ही हमारी ये लत पड़नी स्टार्ट हो जाती है। तो सभी बच्चों से गुजारिश है, बी स्मार्ट डू नॉट स्टार्ट, जागरूक रहें, प्रारंभ ना करें, कभी भी उसको स्टार्ट ना करें। और जो बच्चे इसको ले चुके हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि उसको जल्द से जल्द छोड़ें। और उसके छोड़ने के तरीके होते हैं, सही तरीका अपनाएंगे तो जरूर छूट जाएगा। अगर हम लोग अकस्मात छोड़ सकते हैं या किसी भी प्रकार से हम लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन सही तरीका अपनाना जरूरी है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो तंबाकू लेते हैं और जो आगे पीछे मतलब आगे ले चुके हैं या अभी, तो उनसे हमारी गुजारिश है कि हर महीने अपने मुंह की जांच स्वयं जरूर करें। और अगर मुंह में किसी भी प्रकार का छोटा दाना दिखाई दे, छोटा दाना मतलब कोई भी बदलाव अगर मुंह के अंदर दिखाई देता है, चाहे वो सफेद दाग हो, लाल दाग धब्बे हो या फिर काले धब्बे हो या कई बार हमारे घाव बन जाते हैं, ब्लीडिंग होता है, पूरे मुंह की स्वयं जांच जरूर करें। और उसके अंदर हम ये बोलते हैं अगर कोई भी प्रकार का बदलाव नजर आ रहा है मुंह के अंदर, या मुंह बंद होना जिसको हम बोलते हैं सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस के कारण मुंह बंद हो जाता है, इस प्रकार से अगर कोई भी प्रकार का अगर चेंजेस आ रहा है तो उसकी जांच स्वयं जरूर करके अपने निकटतम डॉक्टर को जरूर दिखाएं। और अगर किसी भी प्रकार का छोटा दाना है तो उसकी जांच करके उसका निदान करें। तो हम बोलते हैं जब भी देखो छोटा दाना उसकी जांच जरूर करवाना, कैंसर को बनने ना दो नासूर, जल्द करो इसे दूर। तो हमारी ये सभी से गुजारिश है कि तंबाकू से दूर रहें, कैंसर अगर छोटा सा भी अगर कैंसर होता है उसको हम इमीडिएटली जांच करके उसकी ठीक करें। जैसे कि अभी रहमान साहब का भी देखिएगा, उनका छोटा सा कैंसर हुआ था, अभी मुंह के ऊपर निशान तक भी नहीं है और बिल्कुल एकदम फिट है, खाना पीना नॉर्मल खा रहे हैं, सब कुछ एकदम ठीक ठाक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर अर्ली स्टेजेस में उनका पता चल जाता है तो हम लोग सही तरीके से ऑपरेशन करके हम उनको ठीक कर सकते हैं। मेरी यही हमारी हम दोनों की गुजारिश है कि कोई भी तंबाकू ना ले, और अगर तंबाकू लेता है तो अपनी मुंह की जांच रेगुलरली करता रहे और जाकर डॉक्टर को सही समय पर दिखाए। धन्यवाद।